Good evening, my students. My name is Monica Bedi, and we are live on the YouTube channel Fun Academy 11th and 12th. But cho, my voice is properly audible. Am I visible? Please confirm in the chat box. I can see so many students over here, and today's lecture is very, very interesting. And कौन सा दिन है आज Tuesday है तो Tuesday का दिन तो हमारा test का भी दिन होता है. तो आज आपका test भी है. किस form में? बताओ. कैसे होगा आज का test? बताइए जल्दी से. जल्दी जल्दी बताएं.

इन वॉट फॉर्म डू यू वॉन्ट टू गिव टेस्ट कम मॉन क्विकली इन द चैटॉक्स जल्दी से चार्टॉक्स में बता दें कि टेस्ट आप किस फॉर्मैट में किस तरीके से देना चाहेंगे हेलो काशिश मे सो डिसाइडेड बच्चा पार्टी ने बोल दिया मेन्टी है तो मिन्टी होगी तो आज पहले हाफ एन आवर हम पढ़ाई कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर मेंटी कर लेते हैं जल्दी से, से लाइक भी कर दो ओके okay. सो so, आगे बढ़ते हैं बच्चों सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ सो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ मोनिका बेदी आई डेड माय पीएचडी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड आई हैव 15 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आई क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम लेक दिस इज़ कंडक्टेड बाई सी एंड दिस इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट आई हैड अराउंड आई वॉज अमंग द टॉप थर्टी कैंडिडेट्स एंड आई एम ऑल्सो अमंग द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स एट एन अकेडमी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे सारे अपडेट मतलब आई I मीन mean, जो भी uh, कोई भी भीटर जिसको फॉलो करते हो ना वो एडुकेटर के लिंक्स विंग्स सब इसी पे आते हैं तो इसको आप ज्वाइन कर लेना दूसरा है एक जबरदस्त खबर जबरदस्त वाली और वो खबर क्या है ट्वेल्थ क्लास के बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है क्या मेंटी मीन क्या होता है मान्य पूछे रुको रुको सब बताती हूँ रुको रुको सब बताती हूँ ठीक है मेंटी का मतलब क्या होता है फर्स्ट लेक्चर हंजला वेलकम वेलकम बेटा ओके सो मोलर कंसेंट्रेशन क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ऐसे कुछ टॉपिक्स में से एक है जो क्लास इलेवंथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास ट्वेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट इज कॉमन टॉपिक फॉर क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ मैं इसको स्पेशल क्लास कंडक्ट करवा रही हूँ ट्वेल्थ क्लास में किस किस चैप्टर में काम में आता है देखो कोर्स में तो ये इलेवंथ के होता है बट ट्वेल्थ के सॉल्यूशंस में आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉर्मोलिटी मुलैरिटी हमें अटका देती है कई बार इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस वगैरह निकालने में प्रॉब्लम आती है अगर हमें नॉर्मैलिटीज़ नहीं क्लियर हो मुारिटीज़ नहीं क्लियर हो तो इस बार का मैंने टॉपिक चूज़ किया है सैटरडे वन थर्टी की क्लास है इस क्यू आर कोड से क्लास के लिंक तक पहुंच जाना इसको इनरोल कर लेना इनरोल करने के लिए नोटिफाई करना है ठीक है क्योंकि मैं शुरू से पढ़ाती हूँ मैं शुरू से ही पढ़ाऊंगी और खूब सारा एग्जाम्पल कराऊंगी खूब सारा क्विज करवाऊंगी इसमें मैं आपको मोलैरिटी मोलालिटी नॉर्मैलिटी मोल फ्रैक्शन ये जो ppm पी पर मिलियन ये अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ इस पर्टिकुलर क्लास में मोलर कॉन्सेंट्रेशन नाम की प्रॉपर वन एंड हाफ आवर की क्लास है तो जो सैटरडे के हमारा ऑक्यूपाई ऑक्यूपेंसी क्या होगी सैटरडे को हम डेढ़ से तीन तो पढ़ेंगे पहले ये सब फिर चार से पाँच हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इलेवन थीज को मैंने सैटरडे बिल्कुल बुक कर दिया है क्लास को ओपन करने का कोड है एम या फिर मोनिका बच्चों नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने नोट्स की हेल्प चाहिए होती है जब आप अपने सेल्फ नोट्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो मैम के नोट्स भी आप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे उसके लिए आप ये क्यू आर कोड स्कैन करें और इसका हेल्प लें ठीक है आज का आउट फीचर आ चुका है अकेडमी की लर्निंग ऐप पे जिसमें आपको टाइम वाइम कुछ देखना नहीं है बस सीधा सीधा डाउट पूछना है अनलिमिटेड डाउट पूछो किसी भी समय पूछो साफ सुथरी फोटो खींच के स्निप करके डालना एंड इमर्ज के लिए एनरोल कर लिया कि नहीं किया अभी भी बेटा इमर्ज जो है वो ट्वेंटी जून को होने जा रहा है कितने बजे को, को. कोई तैयारी नहीं, तो कर कर नहीं करनी इसमें आपका एप्टीट्यूड अगर है तो आप फोड़ दोगे इस पेपर को ठीक है और ये एक घंटे का पेपर है इसमें थर्टी क्वेश्चन आएंगे absolutely no preparation, और इसमें बहुत जबरदस्त प्राइजेस है बच्चों ये प्राइजेस के तो मेरा खुद का मन कर रहा है कि मैं भी तुम लोग के साथ ये वाला पर्टिकुलर एग्जाम दू

अगर आपको जमे तो आप सब्सक्रिप्शन ले लें क्योंकि जब आप प्लस पे आएंगे तो आपकी पढ़ाई को एक फ्लो मिलेगा एक डायरेक्शन मिलेगा एक प्लानिंग मिलेगी एक डिसिप्लिन मिलेगा प्लानिंग से हर चीज जीती जा सकती है ठीक है तो क्योंकि एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यू विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडुकेटर्स राइट सो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है मैं आपको बताती हूँ घर बैठे सेफ माहौल में आप पढ़ाई कर सकते हैं अनलिमिटेड कोर्सेज की आपको एक्सेस मिलती है आप टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया से पढ़ते हैं आपको डाउट सॉल्विंग रेगुलरली मिलती है मेरा खुद का कोर्स स्टार्ट हुआ है और मेरे कोर्स में चैप्टर वन का मोल कॉन्सेप्ट कल शाम से स्टार्ट होने जा रहा है अगर आपने नहीं लिया सब्सक्रिप्शन तो हमारा चैप्टर वन चल रहा था चैप्टर वन में अभी हमने बहुत बेसिक चीज़ें करी है कल से हमारा मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है तो बेसिकली आप कल से भी ज्वाइन करते हो इट्स अमेजिंग वो दो साल की जर्नी जो आप हम लोग के साथ बिताने वाले हो दैट वुड बी अमेजिंग तो ये आपका तीन क्लासेस हम लेते हैं एक क्लास हम डाउट की रखते हैं तो जो जो उन, उस क्लास में आपको प्रॉब्लम है यहाँ दिक्कत आती है ना बेटा YouTube पे कि मैम हमें समझ में आया लेकिन ये डाउट हमको नहीं आया ये चीज हमको चीज नहीं आई है इसका हमको डाउट आ गया तो वो डाउट वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां तुम तीन क्लासेस में जो पढ़ोगे ना उसमें जितना तुमको डाउट आया है वो तुम इस डाउट क्लास में पूछ लोगे फिर तीन क्लासेस में पढ़ोगे फिर डाउट क्लास में पूछ लो मंडे ट्यूजडे वेंसडे सपोज लेट से क्लास हुई तो थर्सडे को डाउट क्लास फिर फ्राइडे सैटरडे मंडे क्लास हुई फिर ट्यूजडे डाउट क्लास फिर थर्सडे सैटरडे क्लास हुई फिर अगले मंडे डाउट क्लास तो इस तरीके से एवरी थ्री क्लासेस फॉलोड बाई वन डाउट क्लास है तो आपका बहुत अच्छा लर्निंग हो जाता है उसके अलावा सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट करवाएंगे ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टडी मटीरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ठीक उसी तरीके से मिलेगा जैसे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में

अगर आपको जेई नीट की तैयारी करनी है हमें तो मैम प्रॉपरली नीट किया या की तैयारी करनी है तो बेटा आप डिजर्व करते हो उन उन एडुकेटर्स से पढ़ना जिनके जो ऑथर्स हैं जो कि फेमस किताबों के जेई नीट की किताबों के ऑथर्स हैं आज के एट तो में घर पे बैठ के जो किताबें सॉल्व करते हैं ना हम जेई नीट की फेमस बुक्स वो ऑथर्स अन पे पढ़ाते हैं तो आप वो डिजर्व करते हो उन ऑथर्स से पढ़ना तो अगर आप सीरियस हैं अपने नीट की प्रिपरेशन को लेके तो ट्वेल्व मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपका 34, और अगर आप दो साल का लेना चाहे तो काफी कॉस्ट फ्रेंडली हो जाता है, 50, में है आपका अगर सेम चीज आप आइकॉनिक में लेते हैं तो इट इज नाइन्टी थाउजेंड और एक साल का लेते हो तो फिफ्टी एट थाउजेंड आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच भी मिल जाता है जो आपका प्रॉपरली ध्यान रखता है आगे बढ़ते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन मुझसे पढ़ने आ रहे हो तो सीबीएसई गोल्ड में आना पड़ेगा सीबीएसई इलेवेंथ कैटेगरी में मैं मिलूंगी आपको और मेरे से पढ़ने के लिए आप दो साल का सब्सक्रिप्शन ले लें क्योंकि बहुत ही ज्यादा है ट्वेंटी का चार्जेस है इसमें आपने कौन सा कोड लगाना है एम बी लाइफ इफ यू फील कनेक्टेड टू योर मॉलिक मैम बी प्राउड टू यूज दिस कोड एम बी लाइफ ठीक है एंड वेलकम टू एम बी आर्मी ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपका चार्जेस लगेगा कितने टाइम का ढाई साल का दो साल का ये है प्लस सिक्स मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको अन अकेडमी अभी कुछ दिनों में के लिए ऑफर चल रहा है फ्री मिल रहा है तो ढाई साल के चार्जेस हैं टू इयर्स प्लस सिक्स मंथ्स के चार्जेस ऑल सब्जेक्ट्स के सिर्फ इतने बच्चों जल्दी से आ जाना मैं तो कह रही हूं कल से पहले पहल आ जाना क्योंकि कल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल मैं मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाली हूँ और मोल कॉन्सेप्ट में मैं इतनी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ वर्कशीट्स के थ्रू इतना होमवर्क देने वाली हूँ बच्चों को कि मेरे बच्चे एकदम स्ट लगाने मोल कॉन्सेप्ट में ठीक है फॉर दैट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड एम बी लाइव एंड यू कैन गो अहेड ओके आइकॉनिक के अंदर सेम चीज आइकॉनिक में खरीदोगे सब्सक्रिप्शन तो आपको टू ईयर्स का सब्सक्रिप्शन फोर्टी एट थाउजेंड का रहेगा और एम बी लाइव कोड लगाने फोर्टी थ्री का मिलेगा सिक्स मंथ्स का फ्री मिल जाएगा टू इयर्स के हिसाब से ये मनी ज्यादा नहीं है ये कुछ ऑफर्स चल रहे हैं जस्ट हैव अ लुक ये ऑफर्स जल्दी ही एंड हो जाएंगे एंड इसमें आप देख लेना कि एक साल पे कितना फ्री है डेढ़ साल पे क्या क्या है वो आपके उसके साथ अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेशन नाउ स्माइल्स फॉर माय मैम ये लिखती है ज्योतिका थैंक यू सो मच बेटा जल्दी जल्दी सारे बच्चे स्माइल दे दो थैंक यू स्तुति लिख रही है मैम वी विश यू ऑलवेज टीचर्स बेटा आई एम गोइंग टू टीच यू फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स डोंट वरी बाप रे खुदा का करिश्मा हो आप बेटा इतनी बड़ी मत बनाओ इतनी बड़ी नहीं हूं मैम आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो मेरे बच्चों की वजह से तुम लोग की वजह से इतनी एनर्जेटिक मेरा वो वीडियो नहीं देखा एक वीडियो है जिसमें मुझसे पूछा गया था कि आप रियल लाइफ में इतने एनर्जेटिक रहते हो क्या तो मैंने कहा था सेवेंटी परसेंट ऑफ दिस नॉट हंड्रेड परसेंट सच बोलना चाहिए ना थैंक यू थैंक यू भूमि पढ़ाई अब चलो कॉपी खोल ली जाएं and let's get started. Thank you, क्या लिख रहे हैं में तो इस वाले का तो ये मैंने खींच लिया स्नैपशॉट मैम आप सरस्वती का रूप हो आप बहुत अच्छा समझाते हो मैं कोचिंग जा रही थी आपके वीडियोस देखती हूँ फ्रॉम कशिश टू माय फेवरेट टीचर मॉर्निंग थैंक यू सो मच कशिश थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू सो मच अब मैंने मेरे सारे बच्चों से बात कर ली है थैंक यू रुकमणी रंजन थैंक यू सो मच अरे पता है तुम लोग अब तो क्लास का एकदम वैसा लगने लगा थैंक यू आकांक्षा वर्मा मैम यू आर माई फेवरेट टीचर प्राउड टू बी ओर स्टूडेंट रिमिशा रिमिशा का नाम मेरे को याद है मुझे बहुत सारे बच्चों का नाम अब याद होने लगा स्वीटी मिश्रा का नाम मुझे याद रहता है बी लव यू वेरी 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 मच आई ऑल्सो लव यू माई डियर बच्चा पार्टी ओके लेट्स गेट स्टार्टेड थैंक यू थैंक यू सुहानी अब तुमसे तुम इतने घपोड़ी हो ना तुमसे मैं स्टार्ट बॉक्स देखूँ तो मुझे पढ़ाना ही नहीं दोगे सच्ची तुम कहोगे मैम बातें करते हैं ये पढ़ाना छोड़ो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेशन बेटा आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ने वाले हैं अमेजिंग है और इसके बाद तुम्हारा टेस्ट है ठीक है अब स्टार्ट करते हैं ये जो हमारे मैक्सवेल थे साइंटिस्ट हुए हैं बड़े इन्होंने पता क्या बोला इन्होंने अरे पढ़ लो अब इन्होंने ये बोला कि जो एनर्जी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है लाइट किस फॉर्म में ट्रांसमिट करती है ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ठीक है और ये वेव्स कैसी चलती है जब ये वेव सीधी चल रही होती है तो दे आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड हालांकि फिजिक्स के एडुकेटर्स इसको डिटेल में पढ़ाएंगे लेकिन जितना केमिस्ट्री का हिस्सा है वो मैं आपको फिजिक्स का तड़का लगा के जरूर पढ़ाऊंगी ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो इस वेव के साथ चल रहे होते हैं ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के भी पपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के भी पेंडिकुलर होते हैं जैसे अगर ऐसे चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड सामने वेव चल रही है वेव के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है तो साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दिस इज हाउ इट ट्रैवल्स आई फील कि जब वेव ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं एक दूसरे के भी पपेंडिक्यूलर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी पपेंडिक्यूलर समझ में आया कुछ फील आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसिशन ट्रांसमिशन की गुड इवनिंग स्तुति सो दिस इज हाउ इट ट्रेवल्स ओके सो आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमको समझने हैं ठीक है

ठीक है ये सिर्फ आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट है तो वेवलेंथ क्या है लेंथ ऑफ द वेव जब वेव अपनी शेप को रिपीट करता है वहां वेव खत्म हो जाती है बेसिकली ठीक है तो एक वेव के डिस्टेंस को क्या बोलोगे या तो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक बोल दो या ट्रफ से ट्रफ तक बोल दो समझ में आता क्रेस्ट और ट्रफ ये तो बचपन में पढ़ा होगा नाइन्थ एंड टेंथ के अंदर ये वेव की ये डेफिनेशन तुम लोगों ने जरूर पढ़ी होगी तो मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर विच द शेप ऑफ द वेव स्टार्ट रिपीटिंग द मिनिम डिस्टेंस आफ्टर विच द शेप ऑफ द वेव स्टार्ट रिपीटिंग दैट इज नोन एज वेव लेंथ अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ ये डेफिनेशन तो तुमने बचपन में बहुत पढ़ी हेलो बेटा अंशिका ये डेफिनेशन तो तुमने बचपन में बहुत पढ़ी है मैं तुम्हें एक डिफरेंट आस मतलब यूनिट वाली चीज एक मत वाली चीज़ बताने वाली हूँ Uh, इसके लिए मैं पहले लगाऊंगी एक रफ स्लाइड है ना एक मीटर क्या होता है अटकते हैं तुम्हारा अभी बचपन से ही एकदम स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे वन मीटर इज हंड्रेड सेंटीमीटर वन मीटर इज हंड्रेड सेंटीमीटर देन वॉट इज वन सेंटीमीटर इट इज टेन की पर माइनस टू मीटर अब मैं इसको थोड़ा मेरी भाषा में बताती हूँ एक मीटर के सौवे टुकड़े को एक मीटर के जब तुम 100 टुकड़े कर दोगे कट 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 तो वो एक टुकड़ा क्या कहलाता है वो एक टुकड़ा सेंटीमीटर कहलाता है एक मीटर के जब तुम 100 टुकड़े करते हो तो दैट वन पार्ट आउट ऑफ द ऑल द हंड्रेड पार्ट्स दैट वन पार्ट इज नोन एज वन सेंटीमीटर सो वॉट इज वन सेंटीमीटर इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड ये नीचे चला जाएगा वन बाय मीटर

मीटर और वी कैन से टेन की पार माइनस थ्री मीटर फील करो यूनिट्स को भी फील करो कि ये कितना बड़ा मीटर था उसके कट 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 कट, कट, कट बराबर कितने टुकड़े कर दिए एक हजारवे एक हजार पीस को हमने क्या बोला एक मिलीमीटर मीटर ऑल राइट तीसरी चीज अब मैं एक मीटर के कितने टुकड़े करूंगी सपोज मैं एक मीटर के टेन की पावर टेन टुकड़े करती हूँ इसको क्या बोलेंगे अगर मैं एक मीटर के हजार करोड़ टुकड़े करती हूँ तो उस एक टुकड़े को क्या बोलेंगे जल्दी जल्दी बताओ अगर मैं एक मीटर के कट, कट 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 हजार करोड़ टुकड़े करती हूं वॉट डू वी कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग टेन की पार टेन टेन की पार टेन टुकड़े वॉट डू वी कॉल दैट जल्दी जल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वाली वेरी गुड बनी वेरी नाइस किरण पाल टाइम पे आया करो बिटा

नाउ वॉट वील कॉल इट सुखम गुरोमीटर एग्जेक्टली सो व्हाट इज वन नैनोमीटर वन नैनोमीटर इज इक्वल्स टू टेन की पार माइनस नाइन लगा सिंपल ये रफ स्लाइड है इसको कॉपी कर लेना क्योंकि ये पीडीएफ uh, में आएगी नहीं मैंने रफ पेज लगाया है इसको कॉपी कर लेना अब उतना ही सिंपल हो गया बेटा वन सेंटीमीटर टैंकी पर माइनस टू मीटर वन नैनोमीटर टैंकी पर माइनस नाइन मीटर वन एन टैंकी पर माइनस टेन मीटर वन पिकोमीटर ये तो बहुत छोटे टुकड़े हो गए पिकोमीटर आई होप आपको फील आई है कि एक सेंटीमीटर एक मीटर का हंड्रेड पीस होता है एक बटा सोवा टुकड़ा इसी तरीके से एक मीटर का मतलब जो नैनोमीटर की बात करें तो वो हंड्रेड करोड़ पीस करोगे तो एक पीस की लेंथ आती है वन नैनोमीटर थाउजेंड करोड़ पीस करोगे तो एक पीस की लेंथ आती है वन एक्स्ट्रो यूनिट और इसी एक मीटर के एक लाख करोड़ टुकड़े कर दोगे एक लाख करोड़

एक लाख करोड़ टुकड़े क्यों करने है? क्योंकि वेवलेंथ इतनी लंबी मीटर्स में नहीं नापी जाती वेवलेंथ जो है वो बहुत छोटी होती है बहुत छोटी हम वेवलेंथ पढ़ रहे थे ना तो वेवलेंथ जो है वो मोस्टली जनरली पिकोमीटर्स में एंगस्ट्रो मीटर्स में नैनोमीटर्स में नापी जाती है हालांकि आप उसे मीटर्स में भी लिख सकते हैं बट आपको ये मोस्टली जो यूनिट्स मिलेंगी वो इतनी छोटी मिलेंगी क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटी होती है समझ में आ गया फील आ गई वेरी गुड वेरी गुड यार थोड़ा सा स्माइल दे दो ना चैट बॉक्स में हाँ मैम कोई पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए थैंक यू ये रटने के लिए सारी किताबों में लिखा है इसकी फील आई होप आपको आ गई है टुकड़े करने हैं बराबर बराबर और उस टुकड़े को देख के बोलने भाई तू एक पिकोमीटर है क्योंकि तू एक मतलब हंड्रेड करोड़ पीस है एक मीटर का इस तरीके से ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो जरा वेवलेंथ क्या है यहाँ से यहां तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्रेस्ट टू क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस टू ट्राफ की नाइन में पढ़ा होगा दिस इज वेवलेंथ वेवलेंथ वो शेप है जो मिनिमम छोटी सी शेप लेंथ की होती है ना जिसकी फिर बार बार रिपीटेशन होती है तो बहुत सारी वेव्स बन जाती है तो व्हाट इज वेव तक का डिफरेंस या ट्रफ uh, से ट्रफ तक का डिफरेंस एंड आई मीन डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर वेव की शेप रिपीट होने लग जाती है मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर विच वेव की शेप रिपीट होने लग जाती है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट हाउ डू वी राइट इट लैम्डा दिस साइन इज नोन एज स्मॉल लैम्डा ठीक है नेक्स्ट आता फ्रीक्वेंसी पढ़ा तो होगा तुम लोगों ने फ्रीक्वेंसी क्या होता है पढ़ा तो होगा तुम लोगों ने फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं तुम्हें बताती हूँ फ्रीक्वेंसी रट लिया या पढ़ा है अच्छा समझा है ऐसे ट्रैवल करती दरवाजा खुलेगा सिर्फ एक सेकंड के लिए जस्ट विजुअलाइज एक दरवाजा खुलेगा सिर्फ एक सेकेंड के लिए जितनी वेव्स निकल गई वो फ्रीक्वेंसी है दरवाजा बंद एक सेकेंड के लिए खुलेगा बंद विजुअलाइज करो व्हाट इज वे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव्स जो कि एक सेकेंड में एक पॉइंट से गुजर गई द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट इन वन सेकेंड मीन एक दरवाजा खुला और आपने गिनी कितनी वेव्स निकल गई हैं और आपने दरवाजा एक सेकंड बाद बंद कर दिया अब वो वो गिनती गिनती क्या कहलाएगी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी आई फील ठीक है बच्चों सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इट इज द नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पास थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट इन वन सेकंड इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं साइकिल्स पर सेकेंड एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स निकल गई ये क्या चीज है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है इसको हार्ड हर्ड्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं किलो हर्ड्स का मतलब होता है की पर थ्री हर्ड मेगा हर्ड्स का मतलब होता है टेंक की टेंकी पारिक्स हर्ड्स ये कॉमन यूनिट्स है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं थम्सअप कर देंगे अगर फ्रीक्वेंसी की फील आ गई है न्यू फ्रीक्वेंसी इज नोन एज न्यू जल्दी जल्दी क्विकली फ्रीक्वेंसी मतलब एक गेट खुला और कितनी वेव्स निकल गई तुमने गिन ली चलो यहां से मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछती हूँ सबको वेरी गुड वेरी गुड एक बात फ्रीक्वेंसी ये है भन 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 तो गेट खुल के निकल गई ठीक है मेरे को एक चीज का जवाब दो कि अगर एक दरवाजा खुला और ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स निकल गई वेव नंबर वन अगर एक दरवाजा खुला और कम वेव्स निकली दो कैटेगरी ऑफ वेव्स को आप स्टडी कर रहे हो दो कैटेगरी ऑफ वेव्स को आप स्टडी कर रहे हो दोनों पे कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो तुलनात्मक स्टडी कर रहे हो दो दरवाजे एक साथ खुलते हैं और दो वेव्स को अलाउ किया जाता है कि एक सेकंड में निकलो पहले दरवाजे में से ज्यादा वेव्स निकल जाती हैं, दूसरे दरवाजे में से जरा कम वेव्स ही निकल पाती हैं। कौन सी वेव ज्यादा एनर्जेटिक है पहली या दूसरी पहली में से ज्यादा वेव्स निकल जाती हैं, है दूसरी में से थोड़ी कम वेव्स निकलती हैं। कौन सी वेव ज्यादा एनर्जेटिक लग रही है फर्स्ट वन या सेकेंड वन लकी कह रहे हैं फर्स्ट वन ज्यादा एनर्जेटिक पहली पहली वाली पहली वाली क्योंकि जो बहुत ज्यादा निकल जाएगी ना बेटा ये देखो अगर एक दरवाजा खुला और ज्यादा लोग भाग गए और एक दरवाजा खुला कम कम लोग भाग रहे हैं एक हो रहा है कि दरवाजा खुला और से भाग गए तो बहुत सारे लोग निकल गए और एक हो रहा है कि जैसे ही दरवाजा खुला चल के जा रहे हैं आराम से चल के धीरे धीरे तो अब इसका मतलब कौन ज्यादा एनर्जेटिक है जो भगक के जा रहा है वो ज्यादा एनर्जेटिक है ना तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो बन 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 बन, -बन करके ज्यादा वेव निकल गई यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो एनर्जेटिक भी ज्यादा है कहना है इसे ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एनर्जी जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है ठीक है

I love an academy because of you, Yatesh. Beta, thank you so much, Bitu. A है ना first वाली first वाली तो इसका मतलब जो छोटी वेव होती है वो ज्यादा निकल जाती है जो छोटी वेव होती है वो ज्यादा ज्यादा निकल जाती है चलो इसका एक मस्त example मेरे दिमाग में आया एक दरवाजा खुला और बहुत सारे चूहे थे छोटे छोटे चूहे छोटे छोटे चूहे छोटे छोटे चूहे दरवाजा खुला और सारे चूहे भगे उस दरवाजे से बाहर और दूसरे सांप भगे कंसीडरिंग द सेम स्पीड सांप अगर भगेगा तो सांप बहुत लंबा है तो नंबर ऑफ सांप निकले और नंबर ऑफ चूहे निकल जाए चूहे ज्यादा निकल जाएंगे क्योंकि चूहा छोटा है फटाफट -पड़ निकलेगा उतने ही समय में और सांप एक पूरा खत्म होगा तब तक अगले की बारी आएगी तो बेसिकली जितनी लंबी वेव होती है उतनी फ्रीक्वेंसी कम होती है ठीक है जितनी लंबी वेव उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम सांप तो कम निकलेंगे बिकॉज वो लंबा है चूहे ज्यादा निकल जाएंगे क्योंकि वो छोटे हैं स्पीड दोनों के बराबर है चूहे भी बहुत तेज भागते हैं और सांप भी बहुत तेज भागते हैं लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा मानी जाएगी चूहों की सांप की नहीं ठीक है तो इफ द वेवलेंथ इज शॉर्टर देन द फ्रीक्वेंसी इज मोर कैन आई से फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ चूहों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्योंकि एक सेकंड के लिए दरवाजा खुला तो ज्यादा चूहे बाहर सो छोटा चूहा मोर फ्रिक्वेंसी लंबा सांप लेस फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रपोर्शनल टूथ इज इट क्लियर हाँ आज टेस्ट होगा ना सुखमन बस अभी टेस्ट होगा दस पंद्रह मिनट बाद टेस्ट होगा ये खत्म कर दूं एक बारी ये देखो इन दोनों का कंपैरिजन किया हमको क्लियरली पता लग रहा है बिल्कुल क्लियरली हमको पता लग रहा है कि यहाँ पे जो पहले वाली वेव है वो कैसी है एनर्जेटिक है देखो ये इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हाई फ्रीक्वेंसी ये लो फ्रीक्वेंसी है जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है

वट इजिटी वी इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई अ वेव इन वन सेकेंड अब यार ये तो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है लाइट स्पीड या वेलॉसिटी क्या होती है एक सेकंड एक में कितना दूरी नाप लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं ठीक है एंड वेलॉसिटी इज अ कॉन्स्टेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इफ़ न्यू इन टू लैमडा इज सी सो न्यू इज इक्व टू ये लर्न करना पड़ेगा तुम्हें न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैमडा वेलोसिटी जो होती है न्यू इज इक्ल टू सी बाय लैम्डा सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इनटू वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ठीक है बेसिकली हम ये नहीं कहते कि देखो यहाँ पे मैं एक डेरिवेशन करा रही हूँ हम कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हम लोग कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आओगे तो सी अपॉन लैम्डा आ जाएगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी न्यू लैम्डा हो जाएगी तो ये तुम याद रख लो नेक्स्ट आता है वेव नंबर बस ये खत्म ही हो रहा है अब वेव नंबर थैंक यू राज कुशवाहा मस्त क्वेश्चन डाले हैं ठीक है ओके यस यस ये सब चीजें मेरे ख्याल से तुमको ऑलरेडी आती भी हैं नाउ व्हाट इज वेव नंबर वेव नंबर क्या होता है कि तुमने अच्छा मुझे एक बात बताओ एक 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची तुमने सपोज ये 10 सेंटीमीटर थी ठीक है अब इसमें एक वेव जो थी वो टू सेंटीमीटर की थी टू सेंटीमीटर मुझे बताओ इस दस सेंटीमीटर में कितनी वेव्स आ जाएंगे फटाफट से बताओ ये दस सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर लंबी लकीर पे कितनी वेव्स आ जाएंगी अगर एक वेव जो है वो टू सेंटीमीटर की है टू सेंटीमीटर बताओ कितनी आ जाएंगी पांच आ जाएंगी ऐश्वर्य कह रही है पांच आयुष लकी ऐश्वर्य वेरी गुड वेरी गुड एवरी वन पांच क्यों तुमने बोला कि भाई डिवाइड किया ना इसको इससे अब मैं तुमको बोल रही हूं कि अगर एक करो या, तो या तो एक सेंटीमीटर तो एक मीटर या एक सेंटीमीटर लंबी लकीर में कितनी वेव्स आ जा जाती हैं जिसको हम साइकिल भी बोलते हैं एक वेव को हम एक साइकिल बोलते हैं तभी तो फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड में नापी जाती है सीपीएस तो मैं ये बोलू कि नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट लेंथ समझ में आया एक लंबी लकीर में जिसकी लेंथ वन मीटर हो सकती है या वन सेंटीमीटर हो सकती है वेवलेंथ के लिए तो एक सेंटीमीटर भी बहुत लंबी है उसमें कितनी साइकिल्स आ रही हैं तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट लेंथ इज वेव नंबर एक लेंथ में कितनी वेव्स है दैट इज वेव नंबर एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं दैट इज वेव नंबर जैसे कि इस यूनिट लेंथ में पांच वेव्स थी अगर मैं इस, ये तो मैंने एग्जाम्पल दस सेंटीमीटर ले लिया एक सेंटीमीटर ले लेती उस हिसाब से भी निकाल सकते यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स आ रही हैं दैट इज वेव नंबर क्लियर चलो आगे चलते हैं वेव नंबर भी हमको समझ में आ गया इसलिए इसकी यूनिट भी क्या होती है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स क्योंकि तुम नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर या नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर इसमें कैलकुलेट करते हो ये तो सिंपल है नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड भी तो बहुत सिंपल होता है हाइट ऑफ द क्रेस्ट डेप्थ ऑफ द ट्रफ ठीक है हाइट ऑफ द क्रेस्ट डेप्थ ऑफ द ट्रफ ये क्या होता है एम्पलीट्यूड होता है अब आती है प्लैंक एक महान साइंटिस्ट हुए प्लैंक प्लैक ने अपनी क्वान थ्योरी दी है इन्होंने पता क्या बोला है सुनना यह लास्ट चीज है अपन तो, अच्छा न्यूमैरिकल भी करा दूंगे एक दो है ना फिर मेंटी स्टार्ट कर रहे हैं पता है प्लैंक ने क्या बोला प्लैंक ने बोला कि जो वेवस होती है ना एक्चुअली एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती वेवलेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ पहले मैं थ्योरी बताती हूँ प्लैंक ने कहा कि सपोज सूरत से जो एनर्जी आ रही है वो हमारी तरफ आके गिर रही है वो कंटिन्यूस इंफेनाइट लेंथ की वेव नहीं है वो छोटी छोटी वेवलेट्स हैं जैसे मैगी नूडल्स ठीक है मैगी को तुम सिंपली मैगी का एक पैकेट फाड़ो और उस पैकेट को तुम पानी में उबाल लो ठीक है अब एक नूडल उठाना शुरू करो क्या वो पूरी मैगी एक ही नूडल है क्या वो पूरी मैगी एक ऐसे इन्फाइनाइट सी लेंथ का एक लंबा नूडल है या फिर वो टुकड़े हैं मुझे ये बताओ जरा चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी कि जब तुम अगर सिंपली बस कुछ मत डालना मैगी को पानी में डालना मैगी भी तो वेव जैसी शक्ल की होती है ट्विस्टेड सी तो मैगी को पानी में डाल इज इट अ लॉन्ग नूडल और इट इज स्मॉल 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 टुकड़ा टुकड़े होते हैं पीसेस होते हैं करेक्ट तो बस वेव भी वही होती है वेव कोई इनफाइनाइट लेंथ की लंबी नहीं होती भी मैगी नूडल्स की जैसी आती है मैगी नूडल्स की जैसी फील करना है तुमको ये देखो यहां मैं फील करवाती हूँ प्लैंक की बात कितनी सही है वो आगे देखेंगे प्लैंक ने कहा कि वेव ट्रैवल इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म और ये जो छोटे छोटे से इनको हम फोटॉन्स बोलते हैं ये जो छोट छोटे छोटे दिख रहे हैं तुमको इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं फोटॉन्स आई फील एक और बात एक और चीज के थ्रू फील करवाती हूँ जस्ट लुक एट इट जैसे सपोज करो जब सूरज धरती पे रोशनी फेंकता है अपनी एनर्जी फेंकता है तो वो भी इनफाइनाइट लंबी वेव के फॉर्म में नहीं फेंकता है वो भी छोटे छोटे वेवलेट्स के फॉर्म में फेंकता है सूरज धरती पे जो एनर्जी फेंक रहा है वो कुछ इस तरीके से फेंकेगा जरा ध्यान से देखना ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनको हम क्वांटा या फोटोन कह सकते हैं और ये धरती पे ये तीर गिर रहे हैं जैसे एनर्जी सूरज से धरती पे गिरती है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेट्स कैन यू इमेजिन दैट कैन यू इमेजिन द द कोर ऑफ सब्जेक्ट दैट हम क्या बोलने की कोशिश करें इट्स नॉट अ लॉन्ग कंटिन्यूअस वेव इट्स स्मॉल स्मॉल पैकेट्स स्मॉल स्मॉल वेवलेट्स जो कि धरती पे कुछ इसी अंदाज में गिरते हैं ये एनर्जी के छोटे पैकेट्स हैं जो धरती पे सूरज के थ्रू गिराए जा रहे हैं और ये गिर रहे हैं आई फील समझे कि प्लैंक ने क्या क्वांटम थ्योरी दी बहुत सारे लोग रटा देते हैं किताबों में रट लेते हैं बच्चे प्लैंक क्वांटम थ्योरी इसकी फील इसको विजुअलाइज करो कि प्लैंक ने क्या कहा था प्लैंक ने कहा था कि रेडिएंट एनर्जी जो एमिट या एब्सॉर्ब होती है वो कंटिन्यूसली नहीं होती कंटिन्यूसली मतलब इट्स नॉट अ लॉन्ग मैगी नूडल इट्स स्मॉल स्मॉल मैगी नूडल्स ठीक है तो कंटिन्यूसली नहीं होती डिसकंटिन्यूसली होती है छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में और उसको हम बोलते हैं क्वांटम क्या बोलते हैं क्वांटम या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं फोटोन फोटोन इन छोटे पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं धीरे धीरे ये चीजें बहुत फेमिलियर हो जाएंगी तुम लोगों के ठीक है बच्चों अब हमने पढ़ा ही था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है जो भन 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 चल रहा है उसकी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड ई इज इक्वल्स टू एच न्यू और यही आ गया हमारा प्लैंक कांस्टेंट एच

छोटे छोटे वेवलेट्स होते हैं जिनको हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं हर वेवलेट की एनर्जी किसके बराबर होती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू और अगर कोई एनर्जी का सोर्स तुम पे बहुत सारे वेवलेट्स फेंक रहा है तो टोटल एनर्जी हो जाएगी नंबर ऑफ वेवलेट्स इनटू वन वेवलेट की एनर्जी नंबर ऑफ पैकेट इंटू वन पैकेट की एनर्जी इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू समझ आ रहा है आकांक्षा वर्मा बेटा h स्टैंड फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट अब व्हाट फॉर एग्जांपल्स गोज टू माता वाली मैदी यस थैंक यू उत्कृष्ट कौन सी मैगी मैम बाय गॉड तुमने जीवन में मैगी नहीं खाई तो क्या खाया मुझे तो ये बताओ अगर मैगी जिसने नहीं खाई उसने लाइफ में क्या खाया मेरे को ये बताओ तुम तो एनीवेज ये छोटे वेवलेट्स हैं हर एक वेवलेट या फोटोन की एनर्जी को हम एच न्यू बोलते हैं एक, एक पैकेट की एनर्जी को हम एच न्यू बोलते हैं और अगर कोई सोर्स तुम पर एनर्जी फेंकता है जैसे तुमने सूरज की रोशनी में से हाथ कर लिया तो हाथ पे तुम्हारे बहुत सारे फोटोन गिर गए छोटे छोटे मैगी नूडल्स के एनर्जी के फॉर्म में ठीक है वेवलेट्स और वो हाथ पे तुम्हारे कितने गिरे टोटल एनर्जी कितनी गिरी तुम्हारे हाथ पे वो गिरेगी तुम्हारी टोटल एनर्जी एनर्जी टोटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेवलेट्स इनटू टू एच इन न्यू ये समझ में आ चुका है आई गेस सभी को ठीक है आगे बढ़ते हैं अब ये क्वेश्चन करें फटाफट फड़ से और मेंटी स्टार्ट करें एक क्वेश्चन कर लेते हैं बाकी प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में खूब सारा प्रैक्टिस कर लेंगे एंड रिलेशन क्या होता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लेंथ और ये क्या किया मैंने सॉरी फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ठीक है एंड न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा ठीक है चलो करो फटाफट फड़। इसकी डिटेलिंग अगली क्लास में होगी क्योंकि अब टेस्ट स्टार्ट करना है मुझे टाइम ओवर हो रहा है न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा क्विकली बच्चों व्हाट इज सी वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको मालूम है जल्दी जल्दी आंसर निकाल के बताएं क्विकली स्टूडेंट्स आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर इन द चैट बॉक्स यस yes. हाँ हाँ इट्स टाइम फॉर मेंटी स्तूती एगैक्टली बस एक क्वेश्चन तो कर लो राहुल भी कह रहे जल्दी से मेंटी स्टार्ट करो फाइव एटी नाइन नैनोमीटर आंसर आ गया स्वीटी का प्रियंका का बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है फाइव एटी नाइन नैनोमीटर हाँ आई थिंक इट इज करेक्ट यस अब इतना प्रसिशन है बॉक्स में तो मान ले कि एक्यूरेट भी है तो तो बहुत जबरदस्त है 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 बॉक्स बॉक्स में में मतलब रिजल्ट का रिप्रोड्यूस होना और अपने आ, में का, आम पे होता रहता है. ठीक 589 है? तो 589 कितना बताया था नैनोमीटर सही समझा दू अक्षित कुछ भी नहीं है कितनी दे रखी है फ्रीक्वेंसी uh, कितनी दे रखी है अब क्योंकि आपको लैमडा निकालना है ना तो लैम्डा वुड बी इक्वल टू सी अपॉन न्यू तो न्यू है फाइव पॉइंट जीरो नाइन इंटू टेन की पार फोर्टीन बस इसको सॉल्व कर लो और बच्चे मेरे स्मार्ट एन नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर गए ये एक सवाल आपका होमवर्क है और ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है ये दो क्वेश्चन आपके मैं होमवर्क में डाल रही हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों मेंटी बिल्कुल प्रिपेयर रहो मेंटी के लिए इसको कीप कर देते हैं और इधर आइए मेन्टी मीटर ज्वाइन करें सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे कोई भी नहीं छोड़ेगा बिल्कुल फ्री टेस्ट है इसमें आपकी रैंक आएगी क्लास में कहा स्टैंड करते हो बिल्कुल ट्रू रैंक है, जल्दी से, मेंटीमीटर करेंगे, है आज टेस्ट -8 -8 यूट्यूब और वेब ब्राउजर आई मीन I mean, वेब ब्राउजर में जाएं, टाइप करें ये इस तरीके की विंडो खुल जाएगी इसमें आपको क्या करना है कोड भरना है थ्री एट जीरो थर्टी एट जीरो एट फोर्टी फाइव नाइनटीन जल्दी से मेन्टी डॉट कॉम पे जाए जल्दी से वेब ब्राउजर में वेब ब्राउज़र में जाए वहां क्या टाइप करेंगे मेन्टी डॉट कॉम में कोड नोट कर लें थर्टी एट जीरो बॉक्स में भी लिख दो ये कोड थर्टी अब ये मेंटीमीटर खोल रही हूँ कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं थर्टी यार इसको इतने सारे बच्चे बैठे दो सौ बच्चे चाहिए मुझे आज कोड रिपीट करूं कोड है थर्टी एट जीरो क्विकली सिक्सटी वन बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं मैं विद इन अ मिनट स्टार्ट कर दूंगी ज्वाइन कर लिया तो मुझे यहां पे बता दें कि ज्वाइन कर चुके हैं जैसे रिमिशा ने ज्वाइन कर लिया आयुष ने ज्वाइन कर लिया है अच्छा अम्ब्रेला वाली है क्या अम्ब्रेला दो अम्ब्रेला। 90 students join कर चुके हैं जल्दी जल्दी confirm करें में हम Web browser में, में कोड मांगेंगे कोड़ आपको भरना है और किस पे टेस्ट है टॉमिक स्ट्रक्चर पे बोर मॉडल पे अभी आज जो पढ़ा है उस, उस पे भी कुछ आ सकता है नरेंद्र जयसवाल बेटा मैं जेई मीन और नीट को इन्हीं नी सेक्शन में कवरअप करूंगी जो बच्चा तैयारी कर रहा है जेई ही या नीट का वो मेरे इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों के सेशंस को अटेंड करे क्योंकि मैं उस लेवल तक लेके जाती हूं कंटेंट को ज्वाइन लकी अश्विनी जल्दी ज्वाइन करो बेटा यूनिकॉर्न ऐप से था अच्छा कैसे ज्वाइन करें स्तुति कौन है हट अरे वाह ये स्तुति है अच्छा 110 स्टूडेंट्स कर चुके हैं जल्दी जल्दी कर लो वेब ब्राउज में जाओ मेन्टी डॉट कॉम टाइप करो कोड भर दो लकी स्नोफ्लेक्स क्या बात है ज्योतिका का अम्ब्रेला नहीं दिखाई दे रहा यार मेरे को मैं तो बहुत देर से ढूंढ रही हूँ और मेरे को अम्ब्रेला पकड़ में ही नहीं आ रहा ये तो ऐसा हो गया जो बचपन में अखबार में होता था ढूंढते थे छोटी छोटी चीजें बताओ अभी भी मेरे को नजर पुरुषोत्तम गर्ग आपको वेब ब्राउजर में जाके में कॉम लिखना है और आपको दोनों विंडोज एक साथ खोलनी है तो मेन्टी डॉट कॉम में जाके आपको कोड भरना है थर्टी एट जीरो एट फोर्टी फाइव वन नाइन पहली बात तो मेरे को स्नोमैन तो नजर आए तुम क्या के? मैं स्नोमैन और स्नोमैन के नीचे अम्ब्रेला मस्त है मस्त है ये रास स्नोमैन इसके नीचे मुझे कोई अम्ब्रेला क्यों नहीं मुझे क्यों नहीं दिख रहा मुझे केक दिख रहा है ये केकड़ा दिख रहा है और ये अम्ब्रेला अम्ब्रेला मिल गया <laughs> मिल गया मुझे जो इतना सा अम्ब्रेला <laughs> करें स्टार्ट रेडी फॉर द टेस्ट बच्चों ट्यूसडे टेस्ट टाइम 122 यार स्पीड धीरे हो गई बच्चों की ज्वाइनिंग की मैं स्टार्ट कर रही हूँ रेडी फ्रॉग भी है कोई फ्रॉग कौन है चलो स्टार्ट करते हैं मस्ती मजाक हो गया है लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ऑसम मेंटी

बहुत कम पार्टिकल थे जो ऐसे आके करके टर्न हो गए थे उससे क्या साबित होता है थर्टी एट सेकेंड्स न्यूक्लियसिस हैवी न्यूक्लियसिस स्मॉल या फिर बोथे एनबी या फिर इलेक्ट्रॉन क्रिएट हिंड्रेंस इन मूवमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बताओ सोच समझ के आंसर करना टाइम मैंने खूब सारा दिया है 118, 19 स्टूडेंट्स आंसर कर भी चुके हैं सेशन को लाइक like भी कर देना भूल मत जाना इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी बेटू राहुल कोविड के टाइम पे मैम अगर देश के बच्चों को पढ़ा सके तो मैम इससे ज्यादा खुश किसी चीज में नहीं होगी

तो हेवी भी है और छोटा भी है दोनों आंसर थे उसके ए और बी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू हाय गायत्री वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड चेन ऑफ हाइड्रोजन में कितनी होती है वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा टेस्ट है तो याद तो होना चाहिए खुशी चौधरी लेट हो गई क्या अब जल्दी जल्दी ज्वाइन करो मेंटी पे जाओ वेब ब्राउजर में और वहां कोड भरो थर्टी एट जीरो एट फोर्टी फाइव वन नाइन और ज्वाइन करो मेंटी क्विज को सेवेंटी सेवन स्टूडेंट्स आंसर कर चुके हैं

हर क्वेश्चन के साथ कौन सी रैंक मिलेगी अब एंड में मिलेगी सो थर्टी फाइव आउट ऑफ वन थर्टी सेवन एस्पिरेंट आंसर करेक्टली एंड अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स इन मेंटी हे मां माता जी वेब ब्राउजर क्या है गूगल किसको बोलते हो गूगल में जाके सर्च करते हो ना वही सर्च करना है मेंटी मान्या हाय विशाल प्रताप सिंह सो थर्ड क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी बोर थ्योरी एप्लीकेबल ही नहीं है इनमें से किस में बोर थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है बेरिलियम थ्री प्लस लिथियम टू प्लस हीलियम टू प्लस या हाइड्रोजन वाह वाह देखते ही सवा सौ बच्चे कर चुके हैं आंसर शाबाश हरलीन बेटा फॉर्मूला लगाओ यूनिट ठीक से देखना, लगाना, ओके एंड टाइम इज अप फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज सिर्फ बाईस बच्चों ने करेक्ट किया बेटा कितना चीख चीख के बताया था यार ध्यान रखा करो ना ये क्या किया तुम लोगों ने एक कैसे मार्क कर दिया तुम्हें क्या बोला था वन इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए एप्लीकेबल होता है इस सवाल में बोला कि वन कौन से के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो हीलियम टू प्लस तो जीरो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हीलियम में तो दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों को तुमने छील के हीलियम को गंजा कर दिया है अब यार एक बात बताओ उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो बोर ने कहा था ना कि मैंने जो पढ़ाई करी है वो एक इलेक्ट्रॉन वाले पे करी है तो बेरिलियम बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर चार होता है उसको थ्री प्लस लगाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा एप्लीकेबल लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर तीन होता है उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे एप्लीकेबल हीलियम में से तुमने दो ही थे दोनों निकाल दिया जीरो इलेक्ट्रॉन सिस्टम कर दिया तो उस पर नॉट एप्लीकेबल हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में ही एक इलेक्ट्रॉन रहता है क्या बाईस बच्चों ने सही किया सिर्फ चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सो अब तक की रैंक्स में आपको बता देती हूं ओके सो वी हैव

सो so, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सोच सोच-समझ के करना एंड यू हैव टू आंसर फास्ट बच्चों द साइंटिस्ट हु एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी फॉर द फर्स्ट टाइम क्वांटाइजेशन के बारे में बात करने वाले वो पहले साइंटिस्ट कौन थे मैक्स प्लैंक थे या नीलबोर्ड थे या डी ब्रॉगली थे ग थे ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी नीट के क्वेश्चन है आज वाले टेस्ट में आज के टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो नीट के पीवा क्यूज है ठीक तो है तो द साइंटिस्ट ये देखो जम्मू एंड कश्मीर सी का क्वेश्चन है ये और मतलब सारे अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है ये साइंटिस्ट हू एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यहां देख रही हूँ मैं कि 128 बच्चे ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं बेटा नरेंद्र जैसवाल मैं पढ़ा रही हूँ नीट लेकिन मैं यह मैं मैं इसी चैनल पे नीट भी पढ़ा रही हूं, मैं मेंस भी पढ़ा पढ़ा रही मैं। मैं लेट हो गई बबीता चलो टाइम इज अफ एटी फोर स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है एंड बी इज द करेक्ट आंसर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो so, अगला सवाल आज के टेस्ट का क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने ये रहा मीन मैं आपको याद दिला दूं कि इस सैटरडे को डेढ़ बजे मैंने एक बहुत ही स्पेशल क्लास रखी है और वो क्या है उस व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दैट क्लास बेटा उस क्लास के बारे में स्पेशल बात ये है कि वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे है यानी मोलैरिटी मोलैलिटी नॉर्मैलिटी मोल फ्रैक्शन पे हम मस्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं पूरे वन एंड हाफ आवर कहाँ स्पेशल क्लासेस में ठीक है तो इलेवेंथ को भी आना है ट्वेल्थ को भी आना है इलेवंथ के तो कोर्स में है और ट्वेल्थ वालों को इसलिए आना है क्योंकि उनके सॉल्यूशंस उससे कवर अप होगा उनका इलेक्ट्रो उससे कवर अप होगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटेटिव के जो मैंने आपको वादा किया है कि मैं स्पेशल क्लासेज में कॉम्पिटिव एग्जाम्स का पढ़ाऊंगी तो वो इस सैटरडे को क्लास है डेढ़ से तीन ठीक है बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन सोलर स्पेक्ट्रम द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम ऑफ एनी आइटम और आयन जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है या सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्विकली माई डर स्टूडेंट्स हाँ हाँ ट्वेल्थ पास ट्वेल्थ पास अभी है ही नहीं कोई अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया क्राइटेरिया भी नहीं आया तो कॉम्पिटिशन के लिए जो बच्चा तैयार कर रहा है वो सैटरडे को आएगा जो बच्चे भी कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं वो सैटरडे को जरूर आएंगे मिस हो गया ना कोई बात नहीं ओके सो टाइम इज़ आउट स्टडी की थी जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन सभी नॉट दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नॉट ओनली हाइड्रोजन एटम उन सभी एटम्स पे जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है बोर की स्टडी वैलिड है बोर ने की थी वो पढ़ाई चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ टोटल टुडेस टेस्ट लुक एट योर फोन बच्चो द स्टडी ऑफ हाइड्रो द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन थ्री तो फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है आपको हाइड्रोजन एटम का रेडियस पॉइंट फाइव थ्री है फर्स्ट ऑर्बिट का लिथियम में क्या रेडियस होगा फर्स्ट ऑर्बिट फोर्टी नाइन बच्चों आंसर कर चुके हैं क्या बात है वेरी स्मार्ट चलो 1918 किस किस ने छक्का मारा इस पे ओनली फोर सेकेंड आर लेफ्ट टाइम इज कितने बच्चों ने सही आंसर किया है 45 ने बेटा लिथियम के लिए उसको थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा नाइन स्क्वायर अपन से

प्रियंका की फेवरेट बच्ची सेकेंड है उत्कृष्ट दोनों भाई-बहन चल रहे हैं टॉप पे उसके बाद है जेरा फिर कशिश नंदिनी सरोजा मैजिकल रीनो एबीसी रश्मि एंड साग चलिए आगे बढ़ते हैं उत्कृष्ट मिश्रा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फास्टेस्ट भी रहे क्वेश्चन नंबर सेवन ओके रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन निकालो रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन नैनोमीटर में मैंने आज ही तुमको नैनोमीटर और वो सब चीजें सिखाई है बेटा यू हैव टू फाइंड एन आंसर इन योर जो भी यूनिट आपको आती है देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू नैनोमीटर क्या बात है हंड्रेड स्टूडेंट्स आंसर कर चुके हैं इसका और बीस सेकेंड तो अभी भी बाकी है ओके तो टाइम इज अप एंड लेट मी सी कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है सही आंसर दिया है थर्टी सिक्स स्टूडेंट्स ने नैनोमीटर में कन्वर्ट करना था और आज मैंने नैनोमीटर बताया था अगर आपको नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी चलो अगले सवाल पे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर एट बॉक्स में क्यों आंसर कर रहे हो क्विज में आते हैं ना Magnitude of kinetic energy in an orbit is equal to magnitude. We are talking about magnitude, not the sign. Magnitude of kinetic energy in an orbit is equal to magnitude of kinetic energy in an orbit is equal to only magnitude, not sign. Quickly, only nine seconds are left. Go fast, twenty-four And time is up. All right. So, करेक्ट आंसर दिया मैग्नेट्यूट वाइज अगर हम देखें तो आंसर क्या है साइन कंसीडर नहीं करना है मैग्नेट्यूज देखना है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के हाफ होती है सो इज द करेक्ट आंसर इन सेवेंटी वन एस्पिरंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द भूले नहीं सैटरडे को हम लोग कॉम्पिटेटिव पढ़ाई करने वाले मोलर कॉन्सेंट्रेशन जरूर से जरूर आना है आपको स्पेशल क्लास में सैटरडे को डेढ़ से तीन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच एस्टैब्लिश द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम यूज बीम ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच एस्टैब्लिश द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम यूज ऑफ जल्दी 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 करो मेरे बच्चों फटाफट से से लेफ्ट हैं और दिस इज़ इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ टेस्ट टेस्ट ट्यूसडे को फिर से टेस्ट लूंगी मैं मिनट्स का और मुझे अपनी रैंक्स भी बताना सब चार्ट बॉक्स में so, सो टाइम तो था वर एल्फा पार्टिकलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन छील दोगे तो अल्फा पार्टिकल बन जाएंगे नहीं होता कि बस सुन लिया और वाह नोट्स बनाओ प्रॉपरली अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं गोल्ड फॉइल क्यों ले गई थी ली गई थी सब चीज बताई थी मैंने अल्फा पार्टिकल डब्ल्यू आई एस हिलियम न्यूक्लियर को बोलते हैं और सिर्फ बाईस बच्चों ने सही आंसर हिलियम एटम थोड़ी हुआ वो वो हिलियम न्यूक्लियस हो गया तो पूरा गंजा कर दिया पूरे दो के दो इलेक्ट्रॉन्स उसके हटा दिए सो so, देखते हैं कि कौन जीता है आज के सेशन को सो so, प्रियंका हमारे आज के सेशन को जीत चुकी हैं सेकंड नंबर पे है गौतम लव्स एम मैम थर्ड है अंशी फिर है सरोजा फिर है आ, 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 ये नहीं मुझे दिख रही कोई नाइन्थ क्लास के बच्चे थे ना हमारे चार्ट में वो जीत गए शाबाश बेटा वेरी गुड देन उसके बाद में किशन नंदिनी अगम एंड फ्यूचर आई आई रियली विश बेटा कि आप फ्यूचर आई आई टी एन नंबर पे जरूर आई आई बनो और आप सब बनो तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियंका एंड ऑल अदर्स जिन्होंने इस मस्त से मेंटी क्विज को जीत लिया है स्वीटी मिश्रा रही है इलेवेंथ पे थर्टी एट रहे हैं शुभम सिंह ऑफिशियल रहे हैं फोर्टी पे विजय पाल रहे हैं फोर्टी एट पे अक्षित रहे हैं फोर्टी थ्री पे हर्षिता रही है सिक्सटीन पे गुड वन गुड वन अथर्व रहे हैं थर्टीन पे स्तुति थर्टी एट गुड गुड कोई बात नहीं मुकेश दीक्षित फिफ्टी टू वेरी नाइस वेरी नाइस बहुत ही बढ़िया तो अब अगली क्लास में हम लोग परसों आज क्या है आज ट्यूजडे है ना थर्सडे को हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे ठीक है और सैटरडे को तो हमारी डबल डबल क्लास है डेढ़ से तीन तो हमारा स्पेशल क्लास है एंड फोर टू फाइव हमारा यूट्यूब सेशन है तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं और ज़्यादा फ्रेंड्स को ले आना क्योंकि मैं मुलारिटी मुलारिटी सब पढ़ाने वाली हूँ थैंक यू स्तुति बेटा थैंक यू राज कुशवाहा राजकुशवाकी 22 गोड रुक्मणी राजनंद की 13 शाबाश शिप्रा 23 वेरी नाइस आकांक्षा वर्मा 50 नॉट बैड लाइबा नूर 32 गुड गुड रेमिशा 19 नाइस वेरी गुड बेटा अंशिका चौधरी है थ्री पे थ्री पे हाँ 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 अंशी अंशीज अंशिका चौधरी ओके साक्षी सिक्सटीन गुड गुड वेरी नाइस प्राउड ऑफ यू माई बच्चों प्राउड ऑफ यू तो इसी तरह से हर ट्यूजडे को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से हम इस सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे और अब हम चल रहे हैं कंप्लीशन की तरफ हम मैं तुम्हें बता दूं बेटा प्लस हमारे अनकेडमी की लर्निंग ऐप भी होती है मतलब लर्निंग ऐप जो कि आप मोबाइल फोन पे एक्सेस कर सकते हैं उस उसमें ऑसमली अमेजिंग क्लासेस चलती रहती है आप उसको अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं करी तो एक तो जल्दी से उसको इंस्टॉल कर लो क्योंकि मैं वीकेंड्स पे आपको कॉम्पिटेशन की तैयारी करवा रही हूँ एज वेल एज स्कूल एग्जाम्स के जो टफ टॉपिक्स होते हैं जिनकी वजह से बच्चों के स्कूल में नंबर कट जाते हैं उनकी मैं अलग से तैयारी करवा रही हूँ यूट्यूब के अलावा तो आपको मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो करना है और आपको मुझे स्पेशल्स पे भी फॉलो करना है ठीक है स्पेशल क्लास class. मेरी क्लासेस किससे अनलॉक होंगी मेरे कोड से अनलॉक होंगी कोई इसकी फीस नहीं है सिर्फ आपको एक कोड डालना एम बी लाइफ तो आप स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री क्लासेस होती हैं इनको एक्सेस कर सकते हैं आप अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो लॉग इन कर लो गोल्ड सीबीएसई इलेवन सेलेक्ट कर लो एक फॉलो कर लेना क्योंकि मैं जो भी क्लास रखूंगी आप पे अकेडमी अपने आप मैसेज भेजेंगे अगर आप मुझे फॉलो करे हुए हैं तो ठीक है तो फॉलो जरूर कर लेना मोनिका बेदी मेरा नाम है और मोनिका टू जीरो आईडी है मोनिका बेदी से भी खुल जाएगा पेज और मोनिका टू जीरो फोर टू से भी खुल जाएगा ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है मेन्यू बटन पे जाना स्पेशल क्लासेस पे क्लिक करना इनवाइट कोड भरना एंड गेट सेट गो ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन की स्पेशल क्लास में आप सबको आना है और आना ही है जरूर से आना है ऑल राइट बच्चों इसको अनलॉक करने का कोड ये है इसको जितना हो सके शेयर करना इस बात को क्योंकि मोलर कॉन्सेंट्रेशन चाहे ग्यारहवीं का बच्चा हो या बारहवीं का बच्चा हो गलत ही करता है तो मैं इसमें नॉर्मैलिटी मोलरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन सब चीज बड़े अच्छा से पढ़ाने वाली हूँ और इसमें मैं जेई नीट के क्वेश्चन इंक्लूड करूंगी इस वाले सेशन में ठीक है आज के डाउट फीचर ऑलरेडी आ चुका है हमारे लर्निंग ऐप एप जिसपे आप क्या करोगे साफ सुथरी फोटो खींच लेना टाइम वाइम मत देखना जब पढ़ रहे हो कोई डाउट आया फोटो खींची बहुत अमेजिंग फीचर है बच्चों अन अकाडमी लर्निंग एप अनदर लेवल आफ्टर दिस पर्टिकुलर फीचर बहुत सही चीज है स्निप करके आप डालिए और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डाउट के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे तो अगर ऐसा है तो कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं और आप इतने सारे प्राइजेस जीत सकते हैं एंड कोड आप मत भूलना रहे एमबी लाइफ मास्टर ब्लास्टर कोड ओके सब्सक्रिप्शन मैंने अभी कल से जो स्टार्ट होने जा रहा है हमारे प्लस के प्लेटफॉर्म पे वो है मोल कॉन्सेप्ट यहां से हमारी एक जर्नी शुरू हो रही है क्लास 11th की अब तक हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या क्या होते होते हैं हैं एंड uh, जो भी है लॉज ऑफ केमिकल अभी तक चीज़ें बहुत नॉर्मल थी लेकिन कल से ना हमारी एक नई हम माइल सेट करने जा रहे हैं प्लस के अंदर जहां हम मोल कॉन्सेप्ट जैसे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कल से ध्यान रखना कल ठीक है टाइमिंग क्या रहेंगे कल के वही आपका जो सवा से सवा वाला आपका बैच होता है प्लस का इसमें मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी वर्कशीट्स दूंगी मोल कॉन्सेप्ट में मैं ढेर सारी प्रैक्टिस करूंगी बिकॉज बीइंग अ टीचर फॉर द लास्ट फिफ्टीन इयर्स, आई नो कौन से टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए और कौन से टॉपिक में कम प्रैक्टिस से काम हो जाता है तो बच्चों इसमें बहुत होमवर्क मिलेगा मस्त मजा आएगा प्लस का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो सभी टीचर्स इसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं आप घर बैठ के अपने कंफर्ट जोन में पढ़ाई कर सकते हैं आपको सारे कोर्सेज की एक्सेस मिलेगी टॉप एडुकेटर्स से पढ़ने को मिलेगा आप हर तीन क्लासेस के बाद एक क्लास डाउट की होती है जिसमें टीचर्स से आप पूछते हैं और टीचर्स आपके डाउट्स बताते हैं जो कि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता है ठीक है एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस होगी मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको टॉप एडुकेटर्स की मिलेगी सारे नोट्स आपको बना बना के देंगे मैंने खुद अभी चैप्टर वन के सारे नोट्स अपने हैंड रिटन फाइनलाइज किए और मेरे प्लस के बच्चों को दिए तो बिल्कुल उसी अंदाज में पढ़ाया जाएगा जैसे आप किसी के घर पढ़ने जाते हो और आपका ध्यान रखता है ठीक है एंड ये टेस्ट वगैरह सब चीजें बहुत रेगुलर होती है आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच भी मिल जाता है मतलब जबरदस्त चीज है अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको ये सारे क्लासरूम एक्टिविटीज तो है ही पर्सनल कोच भी मिल जाएगा जो आपका प्रॉपर स्टडी प्लानर बनाएगा आपसे टेलीफोनिकली कनेक्ट हो जाएगा तो एक मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो सकती है आपकी कि आप किस समय पे कितने अवेलेबल हैं कितना आप क्या कर रहे हैं वो सारी चीजें मतलब पेरेंट कनेक्ट लाइव डाउट सॉल्विंग वीकली रिपोर्ट स्टडी प्लानर शेड्यूल सब बनेगा प्रॉपर गाइडेंस में आ जाओगे अपन अकेडमी के किसी बंदे के ठीक है दिस इज नोन एज रीडिफाइनिंग द मेंटरशिप एंड एंश्योरिंग हैंड्स ऑन लर्निंग हाथ पकड़ के चलेगा ठीक है तो ये ये भी बहुत सही चीज है और ये मैंने आपको बताया है मैंने खुद भी क्लास इलेवेंथ में प्लस में पढ़ाती हूँ मैं है ना और मेरा कोर्स स्टार्ट जून को हुआ था बट है, है? हो तो रही है किताबें लिखते है ना, जो हैं जो लोग वो ऑथर्स पढ़ाते है तो अगर आपको उनसे पढ़ना है तो आप दो साल का या एक साल का या डेढ़ साल का सब्सक्रिप्शन जो भी आपका है वो आप ले लें। और कोड नहीं भूलें एम बी लाइफ से आपको इफ यू फील कनेक्टेड टू मी यूज दिस कोड एम बी लाइफ फॉर टेकिंग सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक में आपको अगेन भाई पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी तो यहाँ पे भी आप दो साल का सब्सक्रिप्शन जो है जिसे हम जिस सीबीएसई इलेवेंथ को मुझसे पढ़ने आ रहे हो और बाकी सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सबके अच्छे एडुकेटर्स हैं तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वाला सब्सक्रिप्शन ले लेना एंड इसमें कोड लगा देना इफ यू फील कनेक्टेड टू मी be proud to बी प्राउड टू यूज दिस को एक आध चल हफ्ता चलेगा ये, पूरी जिम्मेदारी हमारी सिर्फ केमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायोजी सारे सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारी ढाई साल के लिए ओनली ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड में आइकॉनिक का सेम सब्सक्रिप्शन आपका फोर्टी एट थाउजेंड का है जो आफ्टर अपलाइंग कोड एम बी लाइव है ना कितने का हो जाएगा ये हो जाएगा 43, इसमें आपको क्या होगा आइकॉनिक मतलब आपको पर्सनल मेंटर भी मिलेगा कोड वही लगेगा एम बी लाइफ डोन्ट फोगेट दिस कोड एम बी लाइव मास्टर ब्लास्टर कोड एंड दीज आर फ्यू ऑफर्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ जस्ट हैव अ लुक अब आपको सब्सक्रिप्शन ले क्या करना है की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है इंस्टॉल करनी है, है प्लस पे क्लिक करना है कैटेगरी सेलेक्ट करनी है गेट सब्सक्रिप्शन करना है मैं किस कैटेगरी में पढ़ाती हूँ इसमें पढ़ाती हूँ और किस कैटेगरी में पढ़ाती हूँ इसमें पढ़ाती हूँ ठीक है बाकी अगर यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त एडुकेटर्स है अगेन आई रिपीट किताबों के ऑथर्स है फेमस बुक्स के जो खुद लिखने वाले हैं वो यहाँ पढ़ाते हैं गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ और एमबी लाइफ कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लो इजी ईएमआई ऑप्शन पे भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है नो कॉस्ट ईएमआई नो कॉस्ट ईएमआई पे भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बाय-बाय रमेश्या मंजू सुकमान प्रियंका बाय बच्चों बाय क्रिस्ट <laughs> अब ट्वेल्थ करने के बाद रायता फाइनली जम मेट रहे हूँ वाह वाह वेल सेड वेल सेड चलो बाय बाय टेक केयर बाय